नमस्ते, मैं हूँ गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस एयर कूल कंडेंसर के प्रैक्टिकल सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम एयर कूल कंडेंसर का वर्किंग स्टडी करने वाले हैं। कंडेंसर्स बेसिकली जहाँ पे भी रेफ्रिजरेशन करना है या फिर एयर कंडीशनिंग करना है, उस जगह की गर्मी को बाहर के वातावरण में छोड़ने का कार्य करता है। एयर कूल कंडेंसर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट की गर्मी को बाहर निकालने के लिए वातावरण की हवा का इस्तेमाल करता है। आज का ये प्रैक्टिकल सेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे साथ में है मिस्टर ऋषिकेश करकरे। आज के इस टॉपिक में हम फिन एंड ट्यूब टाइप एयर कूल कंडेंसर को स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसमें मेन पार्ट होते हैं कॉम्प्रेसर, उसके बाद कंडेंसर कॉइल, फैन मोटर, फैन ब्लेड एंड कंट्रोल्स। एयर कूल कंडेंसर में ट्यूब के अंदर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट होता है और ट्यूब के ऊपर एल्युमिनियम की फिन्स लगी होती है। ये जो फिन्स है ट्यूब की गर्मी को जल्दी बाहर निकालने में मदद करती है या ट्यूब का सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्प करती है। साथ ही में कंडेंसर में एक फैन लगा होता है जो आजू बाजू के वातावरण की हवा को कंडेंसर की ट्यूब और फिन्स के बीच में से सक करता है और ये हवा पंखा आगे की ओर भेज देता है। वातावरण की हवा का टेम्परेचर कंडेंसर के टेम्परेचर से कम होता है, इसलिए ये हवा कंडेंसर से गर्मी को खींचती है और ये कंडेंसर ठंडा हो जाता है। मतलब कंडेंसर की ट्यूब के अंदर का रेफ्रिजरेंट ठंडा होके वेपर से लिक्विड हो जाता है और ये लिक्विड आगे जाके ड्रायर और एक्सपांशन वाल्व में भेजा जाता है। नॉर्मली एयर कूल कंडेंसर में ट्यूब्स कॉपर की बनी होती है और फिन्स एल्युमिनियम की बनी होती है। सिर्फ अमोनिया रेफ्रिजरेंट के लिए स्टील की ट्यूब्स इस्तेमाल होती है। कंडेंसर ट्यूब का आउटसाइड डायमीटर क्वार्टर इंच से 3/4 इंच इतना होता है और 1 इंच लंबाई में जो फिन्स होती है वो 8 से 16 होती है। पहले ज़माने में एयर कूल कंडेंसर 30 से 40 टन कैपेसिटी तक इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन आज की तारीख में पानी की कमी के कारण ज़्यादा से ज़्यादा एयर कूल कंडेंसर इस्तेमाल हो रहे हैं। 400 टन या उससे ज़्यादा कैपेसिटी के प्लांट में भी अभी अभी एयर कूल कंडेंसर इस्तेमाल होने लगे हैं। कई बार कंडेंसर में कॉपर ट्यूब की जगह पर कॉस्ट कम करने के लिए एल्युमिनियम ट्यूब का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको अभी जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो एक एल्युमिनियम कंडेंसर है, उसमें जो हॉरिजॉन्टल आपको दिखाई दे रहा है वो एक ट्यूब है जिसको हम फ्लैट ट्यूब कंडेंसर कहते हैं, जिसमें ट्यूब जो होती है वो फ्लैट होती है, चपटी होती है, और वर्टिकल जो नज़र आ रही है वो एल्युमिनियम की फिन्स है। तो इसमें जो ट्यूब है वो भी एल्युमिनियम की बनी होती है और फिन्स होती है वो भी एल्युमिनियम की होती है। 3 टन तक की मशीन के लिए कंडेंसर में क्वार्टर इंच डायमीटर की ट्यूब का इस्तेमाल होता है। 3 टन से बड़ी मशीन के लिए कंडेंसर कॉइल में 3/8 इंच डायमीटर की कॉपर ट्यूब इस्तेमाल की जाती है। एयर कूल कंडेंसर में कॉइल के ऊपर हवा को ब्लो करने के लिए प्रोपेलर फैन का इस्तेमाल किया जाता है। कंडेंसर कॉइल के ऊपर ये जो फैन है 500 से 800 फीट पर मिनट इस वेलोसिटी से हवा को ब्लो करता है। इस टाइप के जो कंडेंसर्स होते हैं उसमें 75 वाट से लेके 150 वाट पर टन कैपेसिटी की मोटर इस्तेमाल होती है। इसका मतलब 1 टन का जो एयर कंडीशनर होता है उसका जो कंडेंसर फैन होता है उसकी जो पावर होती है वो 75 वाट से लेके 150 वाट के बीच में हो सकती है। और ज़्यादा करके जो फैंस होते हैं ये फैंस डायरेक्ट ड्रिवन इस्तेमाल होते हैं। कंडेंसर में आने वाली वातावरण की हवा का तापमान और कंडेंसर से निकलने वाली गर्म हवा का तापमान जो है, इसमें जो डिफरेंस होता है वो 20 से 30 डिग्री फारेनहाइट इतना होता है। इसका मतलब कंडेंसर में आने वाली हवा का तापमान अगर 85 डिग्री फारेनहाइट है और अगर टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री फारेनहाइट का है, तो कंडेंसर से जो गर्म हवा बाहर निकलेगी उसका जो टेम्परेचर होगा वो होगा 105 डिग्री फारेनहाइट। या फिर अगर टेम्परेचर डिफरेंस 30 का है तो कंडेंसर में आने वाली हवा का टेम्परेचर 85 डिग्री फारेनहाइट है, तो कंडेंसर से जो गर्म हवा बाहर निकलती है उसका टेम्परेचर होगा 115 डिग्री फारेनहाइट। अभी हम कंडेंसर कैपेसिटी को स्टडी करने जा रहे हैं। तो कंडेंसर कैपेसिटी जो होती है वो टोटल हीट रिजेक्शन कैपेसिटी में गिनी जाती है। अभी टोटल हीट रिजेक्शन क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब बाय इवेपोरेटर प्लस हीट ऑफ कंप्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? इवेपोरेटर जिस गर्मी को एब्जॉर्ब करता है वो गर्मी
प्लस हीट ऑफ कंप्रेशन, मतलब कंप्रेसर जो हीट को निर्माण करता है वो गर्मी, जो कंडेंसर होता है उस कंडेंसर को इन दोनों गर्मी को बाहर निकालना पड़ता है, मतलब इवेपोरेटर जिस गर्मी को एब्जॉर्ब करता है और कंप्रेसर में जो गर्मी निर्माण होती है इन दोनों को कंडेंसर को बाहर निकालना पड़ता है। इसके लिए हमेशा जो कंडेंसर की कैपेसिटी होती है वो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी से ज़्यादा होती है और उसी को हम कहते हैं टोटल हीट रिजेक्शन कैपेसिटी। अभी हम कंडेंसर कैपेसिटी को समझने के लिए एक एग्जांपल देंगे। अगर समझो हमारे पास में 1 टन का एयर कंडीशनर है, मतलब एयर कंडीशनर की रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी अगर 1 टन है तो उसका जो कंडेंसर होगा उस कंडेंसर की जो कैपेसिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.2 टन इतनी होगी। या फिर कोई एयर कंडीशन प्लांट है उसका रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है 100 टन तो उसका जो कंडेंसर होगा वो कंडेंसर होगा 120 टन का। तो कंडेंसर की जो कैपेसिटी है इसको हम अलग यूनिट में या अलग इकाई में एक्सप्रेस करते हैं या बताते हैं या मेजर करते हैं, क्योंकि कंडेंसर की जो कैपेसिटी होती है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी से हमेशा ज़्यादा होती है। इसके लिए कंडेंसर की कैपेसिटी को बताने के लिए हम अलग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं टोटल हीट रिजेक्शन कैपेसिटी। अभी हम कंडेंसर की जो कैपेसिटी है उसको फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है उस फार्मूला को स्टडी करेंगे। तो उसका फार्मूला क्या है, नीचे दिया हुआ फार्मूला, टी एच आर इज इक्वल टू 1.08 इंटू सी एफ एम इंटू टी डी। अब हम समझेंगे टी एच आर वगैरह क्या है। तो टी एच आर मतलब क्या होता है, टोटल हीट रिजेक्शन, मतलब कंडेंसर कितनी गर्मी बाहर निकाल रहा है। ये जो 1.08 है ये 1.08 के कॉन्स्टेंट है, ओके। और जो सी एफ एम है ये सी एफ एम मतलब क्यूबिक फुट पर मिनट होता है, और ये एयर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है कंडेंसर फैन की। अब ऋषिकेश आपको बताएंगे जो सी एफ एम है इसको किस चीज़ से मेजर किया जाता है। तो सी एफ एम को मेजर करने के लिए ऐसे एनोमामीटर्स होते हैं, जो एनोमामीटर्स आपको हेल्प करते हैं सी एफ एम को मेजर करने के लिए। इसकी हेल्प से आप सी एफ एम को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद टी डी लिखा हुआ है नीचे, टी डी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन कंडेंसर आउटलेट एयर टेम्परेचर एंड कंडेंसर इनलेट एयर टेम्परेचर, मतलब कंडेंसर में जो हवा अंदर आती है और कंडेंसर से जो गर्म हवा बाहर निकलती है उसका जो टेम्परेचर होता है उसमें जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम लोग टी डी या टेम्परेचर डिफरेंस कहते हैं। जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उस टेम्परेचर डिफरेंस को चेक करने के लिए हम डिजिटल थर्मामीटर या नॉर्मल थर्मामीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हम लोग को कंडेंसर के इनलेट एयर में रखना है, वहाँ का टेम्परेचर चेक करना है, और कंडेंसर की गर्म हवा जहाँ पे बाहर निकलती है वहाँ पे इसको सेट करना है, वहाँ पे इसको रखना है और वहाँ का टेम्परेचर चेक करना है, और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल के आप फॉर्मूला में रख सकते हैं और आपको फिर कंडेंसर की जो टोटल हीट रिजेक्शन कैपेसिटी है उसका पता चलेगा। अभी हम टोटल हीट रिजेक्शन जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक एग्जांपल देख रहे हैं। तो एग्जांपल में क्या दिया है, गिवन डेटा दिया है 1 टन के एसी का। तो यहाँ पे कंडेंसर फैन सीएफएम, कंडेंसर का जो फैन का सीएफएम है वो कितना है, 700 है। और फिर कंडेंसर इनलेट एयर टेम्परेचर, कंडेंसर में जो हवा आ रही है वातावरण की या एटमोसफियर की उसका टेम्परेचर है 85 डिग्री फारेनहाइट। कंडेंसर आउटलेट एयर टेम्परेचर, कंडेंसर से जो गर्म हवा बाहर निकल रही है उसका टेम्परेचर है 105 डिग्री फारेनहाइट। डिफरेंस बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट एयर टेम्परेचर, कंडेंसर में जो हवा आ रही है और कंडेंसर से जो हवा बाहर निकल रही है उसका जो डिफरेंस, मतलब 105 माइनस 85, ये जो डिफरेंस है वो 20 डिग्री फारेनहाइट, वो यहाँ पे नोट किया है। फिर जो फार्मूला भी हम लोग ने देखा, टी एच आर इज इक्वल टू 1.08 इंटू सी एफ एम इंटू टी डी, उसको यहाँ पे नोट डाउन किया है। तो वो जो वैल्यू है 1.08 इसको एज इट इज ले लिया, आगे जाके सी एफ एम की वैल्यू ऑलरेडी 700 दी है तो उसको नोट डाउन कर लिया। फिर जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 20 ले लिया, और फिर इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हमें जो वैल्यू मिली वो है टी एच आर की 15,120 BTU पर आवर। इसका मतलब ये जो कंडेंसर है, ये कंडेंसर जो है एक घंटे में 15,120 BTU इतनी गर्मी को बाहर निकाल रहे हैं। अब नीचे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या लिखा है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, ये जो एसी है वो 1 टन का है, तो 1 टन का एसी जो है वो 12,000 BTU इतनी गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, और इसका जो कंडेंसर है उसका जो टोटल हीट रिजेक्शन है वो है 15,120। मतलब जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी होती है उससे कंडेंसर की जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और इसके लिए उसको चेक करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए अलग यूनिट होता है, उसको हम बताते हैं टोटल हीट रिजेक्शन कैपेसिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।